जय श्री राम दोस्तों, मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टूडेंट ज्ञान में। अगर आप लोग सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं और नहीं मालूम चलता है कि कब कौन सा नोटिफिकेशन आने वाला है जॉब एडमिट कार्ड रिजल्ट की, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि ये चैनल आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन देगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको जस्ट वीडियो के नीचे एक लाल सा बटन पर आपको क्लिक करना होगा जहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब। तो जैसे ही आप सब्सक्राइब पर क्लिक करेंगे तो आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद आपको बेल के आइकन पर क्लिक करना है, इससे यह होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से दो काम कर लें ताकि आने वाले जो भी मेरे वीडियो हो उनसे आप अपडेट रहें। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ जॉब से रिलेटेड, ठीक है? तो आइए देखते हैं कौन सा जॉब है और क्या एडुकेशन आपको चाहिए उस जॉब में। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बिहार BTSC जूनियर इंजीनियरिंग रीओपन ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है दोस्तों, इसी का वैकेंसी आया है बिहार BTSC जूनियर इंजीनियरिंग का, जो कि 7 फरवरी 2020 को करीब सुबह में 6 बजे लागू हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको यहां पर देख सकते हैं अप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करें तो यहां पर जनरल EW BSC कैंडिडेट के लिए 200, BSC ST कैंडिडेट के लिए 50 और फीमेल ऑल के लिए 50, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट डेट को ताकि आप लोगों को पता चल पाए। तो यहाँ पर देख लीजिए 11 मार्च 2019 का इसका एप्लीकेशन का स्टार्टिंग था, ठीक है, लेकिन 15 अप्रैल तक ये इसका लास्ट डेट था, लेकिन किसी कारण यह स्थगित हो गया और इसका जो स्टार्टिंग जो टाइम हुआ है, ठीक है, वो फिर से यहाँ पर रीओपन हुआ है। आप लोग देख सकते हैं 6 फरवरी 2020 को और रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो 17 फरवरी 2020 तक है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। टोटल पोस्ट की अगर हम बात की जाए तो यहाँ पर 6379 पोस्ट है, ठीक है दोस्तों, जो कि पोस्ट नेम यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3 तरह के यहाँ पर पोस्ट आपको मिलेंगे, JEE सिविल, JEE इलेक्ट्रिकल और JEE मैकेनिकल, ठीक है, जिसमें कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जनरल के लिए 1776 और यहाँ पर सेकेंड वाला में 176 और थर्ड वाला में है मात्र 58। फिर SC के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1112, फिर 63, फिर 20 सेकेंड थर्ड वाला में। उसी तरह से यहाँ पर ST के लिए आप लोग देख सकते हैं 51, 5, 2, BSC के लिए देख सकते हैं 778, 54, 8, फिर EWS के लिए देख सकते हैं 1280, 80, 26। इसी तरह से आपको यहाँ पर BC फीमेल के लिए आप लोग देख सकते हैं 243, 11, 5 और यहाँ पर जो टोटल हो जाता है फर्स्ट के लिए 5815 और यहाँ पर सेकंड में होता है 432 और लास्ट में 132, ठीक है। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करना होगा अगर आप चाहते हैं तो। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ आपको क्लिक हेयर पर अप्लाई करना होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एबिलिटी क्या चाहिए इसके लिए। तो एबिलिटी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो देख सकते हैं कैंडिडेट हैव डिप्लोमा इन सिविल इलेक्ट्री, आपको डिप्लोमा यहाँ पर मांग रहा है दोस्तों। अगर आप किए हुए हैं डिप्लोमा तभी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो बहुत कम ही लोग डिप्लोमा कर पाते हैं, ठीक है, फिर भी अगर आप लोग किए हुए तो इस फॉर्म को आपके लिए भर सकते हैं। मैक्सिमम एज की अगर बात की जाए तो 1/8/2018 तक आपका 18 साल हो जाना चाहिए और मैक्सिमम एज आपको 40 साल होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि आपके फ्रेंड लोग को भी पता चल पाए। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करें या फिर आप हमसे कोई सहायता चाहते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर करें। अब हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या कर पाइएगा, ठीक है। तो अगर अप्लाई करने के लिए आपको एक पेज ओपन होगा तो चलिए उस पेज को मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा नोटिफिकेशन को दिखाना चाहता हूं ताकि आप लोगों को पता चल पाए कि सही में इस जॉब का नोटिफिकेशन आया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं यही नोटिफिकेशन पेज है और काफ़ी छोटे छोटे मात्रा में यहां पर लिखा गया है और यहां पर आपको सैलरी उडली सभी के बारे में यहाँ पर आपको लिखा गया है और ये करीब 6 पेज का है नोटिफिकेशन, तो आपको रीड करना होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा छोटा लिखा गया है इसलिए मैंने उस पेज में आपको बता दिया हूँ कि इसमें क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब अप्लाई के लिए किस पेज पे जाना पड़ेगा मैं आपको यह भी बता देता हूँ।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट का पर मैं आ चुका हूँ, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, और इसको स्कोर करना है ऊपर की ओर स्कोर करना है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वेलकम टू नोटिस बोर्ड यहाँ पर, ठीक है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है, और कैसे अगर अप्लाई नहीं करने आता है तो इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, यहाँ भी आपको ये लिंक दिया गया है। तो इस पेज का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तीनों का लिंक दे दूँगा, डायरेक्ट आप यहाँ पर पहुँच के अचीव कर पाइएगा, या फिर मैं इस पेज का भी लिंक आपको दे दूँगा जहाँ आपको इसके बारे में पता चल पाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ लाइक कर दीजिएगा, और नहीं पसंद आया तो कॉमेंट में लिख कर डिसलाइक करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।